हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रू रुपया में। मैं मौसम दास हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ जो कि बहुत ही नॉलेजेबल है। सो प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और तो चलिए ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख सकते हो सैमसंग का A20S, जिसका बैक आप देख रहे हो बहुत ही शाइनी है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी है पीछे की ओर, और सामने की ओर आप देख सकते हो इसका स्क्रीन पूरा टूट चुका है। तो आप यहाँ पे इसका डिस्प्ले भी देख सकते हो, पूरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एकदम से टूट चुका है। तो ये है हमारा नया वाला फोल्डर जो कि हम रिप्लेस करने वाले हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। पर दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी है, फिर भी अच्छा क्वालिटी का है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो ज़रूर। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको खोलेंगे, उसके लिए सबसे पहले सिम ट्रे को ओपन कर लेंगे यहाँ से, आप देख सकते हो। और उसके बाद ये जो बैक है इसको हम खोल लेंगे, यहाँ पे दो लेयर होता है, उसके बाद इसको ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक स्टील ओपनर की मदद ले लेंगे, जिसकी मदद से आप एक छोर से थोड़ा सा इसको उठाइए। यहाँ पे इसका जो है बैक है वो प्लास्टिक का है, वो ग्लास का नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और उसके बाद ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है, ये आपको 6D 11D जो टेम्पर आता है उसके पैकेट में मिल जाएगा एक, तो इसे आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ये आपको मुफ्त में मिल जाएगा। और इसकी मदद से आप इसको आसानी से खोल सकते हो, इसका बैक को, प्लास्टिक का बैक हो या जो ग्लास का बैक होता है उसे भी आप खोल सकते हो। एकदम भी फ्लेक्सिबल होता है और एकदम भी टूटता नहीं है, पतला भी है, तो इससे आसानी से ये खुल सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, खोलते समय जो पीछे सेंसर होता है उसका पत्ता काट ना जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ पे पत्ता कटने का जो रिक्स है वो कम है, क्योंकि जो सेंसर पत्ता है वो अंदर होता है। यहाँ पे अब दो लेयर है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा किस तरह से दो लेयर है इसका। पहला लेयर ऊपर का है जो हम खोल रहे हैं अभी, तो एकदम धीरे से हल्का हाथों से खोलना है। ज़्यादा ज़ोर से खींचोगे तो सेंसर पत्ता या जो बैक है वो टूट सकता है, वो प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे धीरे धीरे से आप गम को पूरा खोल लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये ओपन हो चुका है जो फर्स्ट लेयर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंसर अंदर है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है उसका सारा स्क्रू हम खोल लेंगे, तभी जाके वो सेकंड लेयर जो खोलेगा उसका बैक। तो फटाफट से हम सारे स्क्रू को खोल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सारे स्क्रू खुल चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेकंड लेयर जो है बैक का वो ओपन कर लेंगे इस तरह से, स्टील ओपनर की मदद से एकदम आराम से धीरे से इसको खोलना है आपको। तो बारी बारी से राउंड करके आपको इसको खोलना है, ना कि एक तरफ खाली खींचना है इसको, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो धीरे धीरे राउंड करके हर ओर से आप थोड़ा थोड़ा करके उसको उठाइए, तो ये आसानी से खुल के आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे ऊपर की ओर दो पत्ता देख रहे हो, एक है चार्जिंग का और दूसरा है फोल्डर का। तो हम यहाँ पे पहले बैटरी कनेक्टर और जो डिस्प्ले का जो फोल्डर का पत्ता है उसको खोल लेंगे सारे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ क्या है, जो आपको बैटरी ओपन नहीं करना पड़ेगा, ये जो पत्ता है ऊपर की ओर है और वो नीचे की ओर से निकल जाता है, तो आपको बैटरी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे का जो सारा स्क्रू है, सब PCB जहाँ होता है तो वहाँ का सारा स्क्रू खोल के उसको निकाल सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे खुल चुका है। तो हम जो सब PCB है, जो चार्जिंग कनेक्टर होता है वहाँ पे, वो वाला हिस्सा है उठा लेंगे, और उसके नीचे से जो पत्ता है वो आसानी से निकल जाएगा। तो अभी दोस्तों हम जो होल्डर है उसको आराम से उठा लेंगे। तो पीछे का जो सारा लाइन क्लियर हो चुका है, तो ऊपर से आप उसको होल्डर को आराम से निकाल सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली एकदम आराम से उठाना है। कभी ये जो फोल्डर है पूरा टूट चुका है, तो आप इससे आपको हाथों को हाथ काट सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, धीरे से उठाना है इसका। तो लीजिए दोस्तों, ये ओपन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो पूरा फ्रेम है उसका, तो मोबाइल का जो पूरा फ्रेम है उसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि कोई कांच का टुकड़ा या गम रह ना जाए।
तो चलिए दोस्तों, ये पूरा साफ़ हो चुका है, एकदम से क्लीन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, जो नया वाला फोल्डर है जो कि हम लगाने वाले हैं, तो उसे एक बार चेक कर लेंगे लगाने से पहले, ताकि हमें पता चले उसका डिस्प्ले का क्वालिटी या टच जो है अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। आप भी जब भी लगाओ उसे अच्छी तरह से चेक कर लेना कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, नहीं तो आप में आपको लगाने के बाद नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये बूट हो रहा है, जब तक ये ऑन हो रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक भी कर देना। मेरे चैनल में जाके बहुत सारे इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो है मोबाइल के थ्रू, तो आप वो देख सकते हो, और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे इस तरह के रिपेयरिंग के थ्रू जो नॉलेजेबल वीडियो है वो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चेकआउट करना मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए दोस्तों, ये ऑन हो चुका है, तो अभी हम फटाफट से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एकदम जो स्मूथ काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले का और क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो मैं जो कॉमन पार्ट्स है उनको चेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसको हम स्विच ऑफ कर लेंगे, इसके बाद जो फोल्डर निकाल लेंगे, उसके बाद इसको गोमिंग करके किस तरह से लगाना है आपको मैं दिखाऊंगा। तो उसके लिए पहले तो हम गोमिंग कर लेंगे, जो ब्लैक कलर का गम आता है जो खासकर फोल्डर के लिए बना होता है, फोल्डर फिटिंग के लिए, वही हम लगाएंगे, दूसरा कोई वाला नहीं लगाएंगे। तो गम एकदम पतला सा पूरा लेयर चारों ओर लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं लगाना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जो एयर पीस होता है, जो फ्रंट कैमरा होता है, वहाँ पे थोड़ा कम लगाइएगा, क्योंकि जब आप फोल्डर लगाओगे, ज़्यादा लगाओगे, तो फोल्डर लगाने के बाद जो सारा गम है कैमरे के ऊपर या सेंसर के ऊपर आ जाता है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे गम लग चुका है, तो हम इसे 10-15 सेकेंड के लिए सूखने के लिए रख देंगे, उसके बाद ये फिटिंग बहुत बढ़िया आएगा। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो नया वाला फोल्डर है उसका जो सारे स्टिकर्स है उसको हटा लेंगे, और पत्ते की ओर देख लेंगे कोई ग्राउंड वगैरह है या नहीं, अगर नहीं है तो हम लगा देंगे स्टिकर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डबल टेप है वो ले लेंगे, हालांकि यहाँ पे ग्राउंड पूरा लगा हुआ है, अच्छे क्वालिटी का है ये, फिर भी हम अंदर की ओर एक एक स्टिकर डबल टेप लगा देंगे, इससे ग्राउंड भी लग जाएगा अच्छी तरह से, और जो पत्ता है वो डिस्प्ले के साथ अच्छी तरह से चिपक भी जाएगा, हिलेगा नहीं फिटिंग करते के बाद। तो यहाँ पे इस छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, तो मोबाइल रिपेयर में आपको बहुत ही आसानी होगी और आपको अपने खुद के काम पे सेटिस्फाई भी होगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, तो इसे अभी फिटिंग कर देंगे। तो ये सूख चुका है, तो हम इसे फिटिंग कर देंगे। पहले आप जो पत्ते को इन कीजिए, उसके बाद जो डिस्प्ले है, फोल्डर है, उसको ऊपर की ओर से नीचे की ओर तक इसको अच्छी तरह से धीरे धीरे से बिठा दीजिए। उसके बाद जो पत्ता है, कनेक्टर है, उसको अपनी जगह पर बिठा दीजिए, और फिर जो नीचे का सब पीसीबी है जो हमने खोला हुआ है, उसको अपनी जगह पर आगे के जैसे लगा देंगे, पहले जैसा था उसको उसी तरह से बिठा देंगे। जब भी आप कोई भी मोबाइल का पार्ट्स खोलो तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ से कौन सा चीज़ आपने खोला हुआ है, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दोस्तों ये फिटिंग हो चुका है, तो हम अभी क्या करेंगे, जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको अपनी जगह पे बिठा देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो सेकंड लेयर है, जो बैक है, सेकंड बैक है, उसे हम अपनी जगह पे बिठा देंगे पहले के जैसा, और एकदम धीरे से चारों ओर राउंड राउंड करके हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, ताकि उसको वो अपनी जगह पे बैठ जाए। उसके बाद जो सारे स्क्रूप है हमने खोला हुआ था, वो सारे स्क्रूप हम लगा देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो फाइनल बैक है, उसको कैसे लगाना है आपको मैं दिखाऊँगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, पूरा देखिए किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे सारे स्क्रूप लग चुके हैं,
तो अभी हम क्या करेंगे, जो फाइनल बैक है उसको लगाने के लिए हम कोई गम यूज़ नहीं करेंगे, या फिर जो डबल टेप है उसकी मदद से हम इसके बैक को लगाएंगे। मैं जिस तरह से लगा रहा हूँ ये डबल टेप, आप ठीक उसी तरह लगाइए, चारों ओर फ्रेम की तरह स्क्वायर में लगा दीजिए, दोनों ओर दो दो और ऊपर और नीचे की ओर एक एक लगा दीजिए, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डबल टेप है दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से चिपकता है, और जो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो ये, जब आप वापस खोलोगे दोबारा कभी टाइम, तो इसको खोलने में आपको आसानी होगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो गम लगा देते हैं, जो जो फोल्डर वाला गम है या दूसरा कोई गम लगा देते हैं इसको लगाने में, तो क्या होता है वापस जब आप दूसरी बार खोलोगे या तो वो खुल नहीं पाते अच्छी तरह से, या तो वो जो उसका जो स्टिकरिंग है अंदर का जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाता है। तो कभी भी आप इस तरह का गम मत लगाएगा, ये डबल टैप एकदम सेफ है, आप लगा सकते हो। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो बैक पैनल है लास्ट वाला फाइनल वाला उसको हम लगा देंगे, और चारों ओर से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो अपनी जगह भी बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे एक और चीज़ है मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये फिटिंग हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके एक बार चेक कर लेंगे ये सही से काम कर रहे हैं नहीं। और जो सिम ट्रे है वो हम लगा देंगे, इसका सिम वगैरह है वो हम लगा देंगे। और एक और चीज़ है मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है। और उसके बाद दोस्तों जो रबर है, गडर मिलता है बाज़ार में आपको मिल जाएगा, उसके मदद से हम चारों ओर से फोल्डर को बांध लेंगे अच्छी तरह से, एकदम हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो इस तरह से मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उस तरह से आप अच्छी तरह से उसको लगा दीजिए, दो या तीन राउंड लगा सकते हो। इससे क्या होगा, जो फोल्डर है वो फ्रेम के साथ अच्छी तरह से बैठ जाएगा, चिपक जाएगा। और जब आप खोलोगे करीब करीब 10 या 15 सेकेंड, 15 मिनट आपको रखना पड़ता है, 10 मिनट रखने से सफिशियंट है। उसके बाद आप खोलोगे तो देखोगे कितना बढ़िया फिटिंग आएगा उसका। आप चाहो तो उसको ऊपर की ओर से भी एक लगा सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, ज़्यादा टाइट नहीं करना है दोस्तों यहाँ पे। तो ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम इसको एक बार चेक कर लेंगे वो सही से काम कर रहे हैं नहीं फिटिंग करने के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कितना स्मूथली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का दबा के ऑल भी कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।